He is a former union minister and Madhya Pradesh Assembly Speaker Narendra Singh Tomar. Sir, आज का दिन आपके लिए खास होगा. आप लोकसभा में पिछली दफा थे, इस बार लोकसभा के चुनाव है, लेकिन आप मध्य प्रदेश के स्पीकर भी हैं. क्या संदेश देना चाहेंगे आज जनता को, जब आज तीसरे फेज के चुनाव है और ग्वालियर चंबल संभाग इस समय वोटिंग कर रहा है? पहले दो चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिला है और आज भी जो मतदान हो रहा है उसमें चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन मिल रहा है. मोदी जी के प्रति लोगों का अत्यधिक विश्वास है और हम लोग इतने दिन जो कैंपेनिंग हुई है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम ग्वालियर चंबल अंचल की भी सभी सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे. सर, एक तरफ 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, प्रधानमंत्री आज खुद जब वोट करने गए सुबह अहमदाबाद, उन्होंने कहा कि भारी मतों से वोट करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग निकले, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो वो भी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार नहीं बल्कि 150 तक सीमित रह जाएगी. ये उनका आकलन है, राहुल गांधी ने भी कल यह कहा. किस तरीके से देखते हैं इन बयानों को? देखिए, राहुल गांधी कोई ज्योति तो है नहीं और दूसरा, राहुल गांधी इससे पहले भी ऐसी बातें करते रहे, उनकी बात पर कांग्रेस कोई भरोसा नहीं है तो जनता क्या भरोसा करेगी. ग्वालियर में भी आए हैं खुद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में कहा, उन्होंने अग्निवीर स्कीम के बारे में कहा. जो प्रोमिसेज हैं, आपको लगता है कि सिर्फ वो प्रोमिसेज ही हैं और एक्चुअल में अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की तो जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे? मोदी जी पर जनता का विश्वास है और कांग्रेस के नेता इससे पहले भी चुनाव था उसमें भी आए थे और देश भर में घूमे थे. क्या परिणाम रहा है आप सब लोगों को मालूम. बहुत बहुत शुक्रिया. दैट वाज नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकिंग टू एनडीटीवी. संजय कौशिक इन ग्वालियर.